तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेज़ी एडिट में। आज मैं फ्रेंड्स आपको कुछ इस टाइप की एडिटिंग बताऊंगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपको सबसे पहले ये जो पीएनजी है इसको आपको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो पीएनजी है वो मैंने पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद एडजस्टमेंट पे जाना है, और यूज़ पे जाने के बाद आप इसका कलर किसी भी तरह चेंज कर सकते हैं, बट ब्लू मत रखना, अपने अकॉर्डिंग ब्लू मत रखना, बाकी आप जो रखना चाहो आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं ये कलर ले लूँगा, और ये कलर लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से मैं कर दूँगा डन। और डन करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपने मॉडल की फ़ोटो को ऐड करना है। तो हमारा जो मॉडल है वो ये रहा, हम यहाँ से इसको कर लेंगे डन। तो फ्रेंड्स मैं जो PNG यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको इसको यहाँ पे अच्छे से लगाने के बाद आपको शेडो पे चल जाना है, और इसको शेडो को हल्का सा मेंटेन कर देना है, मतलब कि ऐसा ना लगे कि मतलब शेडो फेक है। तो शेडो को करने के बाद फ्रेंड्स आपको अच्छे से शेडो करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से कर देना है डन। और डन करने के बाद फ्रेंड्स आपको चले जाना फिर से ऐड फोटो पे, और अपने न्यूज़पेपर वाली PNG को यहाँ पे कर लेना है ओपन। तो हमारा ओपन हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसके बाद गाइस आपको जाना है ब्लेंड पे, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है इरेजर वाले पे, और कर देना है इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है रिस्टोर पे, और इसको जूम करके अच्छे से इसको पेंट कर लेना है अपने टी शर्ट के ऊपर। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा ही आपको भी कर लेना है, ऐसा ही सेम टू सेम अच्छे से। तो फ्रेंड्स मेरा क्या है कि मैं जो कर रहा हूँ देख रहे हैं आप कि बहुत ही मतलब बाहर ऊपर नीचे हो जा रहा है, तो इसको मतलब इरेज़ कर लेंगे हम। पहले मैं कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ इरेज़ कैसे होगा। इसको अच्छे से जूम करने के बाद यहाँ से आपको ऐसे इरेज़ पे जाने के बाद जो आपका अनवांटेड पार्ट है इसको आपको यहाँ से इरेज़ कर लेना है हर जगह से, मतलब अच्छे से इसको बैठाना है ना, इरेज़ कर लेना है आपको। तो फ्रेंड्स हमारा जो है वो ये हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको कर लेना है यहाँ से डन, और डन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से भी कर देना है डन। फिर फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको ऐड फोटो पे जाना है, और हेयर वाली एक PNG है इसको ऐड कर लेना है, जो कि मैंने पहले से बना रखी थी, और मैं ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको अच्छे से यहाँ पे बैठा लेना फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद अगर कुछ अनवांटेड है तो इसको थोड़ा सा आपको इरेज़ कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ से डन करना है, और फिर से डन करना है, और डन करने के बाद फ्रेंड्स आपको चले जाना है ड्रॉ टूल पे। ड्रॉ पे जाना है, और ड्रॉ पे जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, जाने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है सेव। सेव होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इस फोटो को अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा जो फोटो है वो लाइटरूम में एप्लीकेशन में ओपन हो चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको इसका थोड़ा एडजस्ट करना है, इस वाले टूल पे जाने के बाद इसका एक्सपोजर ये सब, ठीक है। तो आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चल जाना है इस पर, इस वाले टूल पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको मिक्स टूल पे जाना है, और मिक्स टूल पे जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्किन टोन देना है। स्किन टोन देने के लिए फ्रेंड्स हमेशा आपको ये ऑरेंज वाले पे जाना है, मतलब सेकेंड वाला जो कलर है उस पर। इसके बाद आप ये स्किन टोन इसका दे सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। स्किन टोन देने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, येल्लो पे जाना है, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो येल्लोइश था। फिर आपको इसका कलर आपको चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप चाहते हो, या तो वहाँ से पिक्सआर्ट से भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से कर लेना है डन, और डन करने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है इसके नीचे वाले ऑप्शन में। जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसकी क्लैरिटी हल्की सी बढ़ानी है फ़ोटो की अपनी, इसके बाद वैनिटीज को थोड़ा सा कम कर देना है, डेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, और फ्रेंड्स इसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा सा टेक्सचर भी दे देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल वाले आइकन पे जाना है, और जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है शार्पनिंग हल्की सी देनी है अपनी फ़ोटो पे, हल्का सा नॉइस रिडक्शन और कलर नॉइस रिडक्शन को भी दे देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फ़ोटो हमारी कैसे थी और कैसी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसके बाद इस फ़ोटो को कर लेना है सेव। तो फ्रेंड्स हमारी फ़ोटो सेव हो रही है और हमारी फ़ोटो तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।